अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खरीस होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नरवा स्टूडियो। आज जो है वो लास्ट रोज़ा था, रमज़ान का आखिरी दिन था जो, और कल जो है यहाँ पर सऊदी अरब में ईद होगी और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह ईद है कल। तो आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक हो, सब दोस्तों को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। आप दुआओं में याद रखिएगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है और अल्लाह ताला ऐसे ही जो है अगला आने वाला जो रमज़ान है वो भी हमारे नसीब में करे, कोई गलती कोताही हो तो माफ़ करे। और इंशाल्लाह जो डिलीवरी का काम है वो भी थोड़ा काम तो ज़्यादा था इस दफ़ा, पिछले रमज़ान की नस्बत इस दफ़ा काम थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि पिछले रमज़ान में हम नए नए आए थे तो उस टाइम मैंने एक महीने में तकरीबन 700 की थी डिलीवरी। तो इस महीने 1250 से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो है डिलीवरी हुई है। और काम तो इतना था कि रेस्ट मिलने का 12-12, 13-13 घंटे 14 घंटे जो है ना हमने काम किया। अभी ईद के बाद जो है वो काम तो ख़त्म हो गया, शिपमेंट भी जो है वो कम आना शुरू हो गई हो जाएगी, 15-20-30-40-50 तकरीबन इतने ही होते, इससे ज़्यादा नहीं होते। रमज़ान में तो 120-190-180 जो है ना डेली आते थे। तो अभी रमज़ान के बाद ईद के बाद जो है वो अभी काम थोड़ा कम हो जाएगा। फिर बकरा ईद में ईद से 10 दिन जो पहले है वो थोड़ा काम ज़्यादा हो जाएगा फिर दोबारा। तो अभी जो 2 महीने का जो वक्फ़ा है इसमें 1.5 महीना तकरीबन ये 20-30-40 जो शिपमेंट है वो डेली मिलेगी। और माशाल्लाह रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। और कोशिश यार हमारी होती है हमारे भाई जितने भी उनको सही इन्फॉर्मेशन देने की, और टाइम ही नहीं मिला रमज़ान में जो है ना वीडियो बनाने का, जब फ्री होते हैं उस टाइम तो काफ़ी माइंड में बातें आती हैं बताने के लिए, पर रमज़ान में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला बताने का। तो अभी मैं गया था, आज हमारी छुट्टी थी, 4-5 छुट्टियाँ हमने, वैसे तो संडे को काम पे जाना है, तो सैटरडे को अगर जाएंगे ईद की छुट्टियों में जाएंगे तो उसका ओवर टाइम अलहदा होगा, पर ईद की छुट्टियों में हम तो नहीं जाते और काफ़ी लोग जो है वो जाते हैं, क्योंकि ये छुट्टियाँ जो है इन्जॉय करने के लिए होती हैं, फिर पूरा साल जो है वो काम ही करना है तो बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाता है। पहले ऑलरेडी जो है वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा थकावट हुई है काम के दौरान, तो अभी 3-4 दिन रेस्ट करेंगे जो थकावट वगैरह उतर जाएगी, नींद पूरी करेंगे और थोड़ा घूमे फिरेंगे इंशाल्लाह। तो रमज़ान के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाना है। जो लोग काम करेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, सब कंपनी का जो अलहदा डिफरेंट रेट होता है छुट्टी में ओवर टाइम का। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो तो मतलब 1.5 देती है ओवर टाइम, और ये दूसरी जो हमारी कुरियर कंपनी है इसका तो सबका डिफरेंट हिसाब होता है। जो सप्लाई कंपनी है वो तो 100 रियाल देती है, बाकी जो समसा वाले हैं उनका भी अलग हिसाब है, कोई 5 देता है कोई कुछ उनका हिसाब है। तो इसमें जो डिलीवरी हम करते हैं छुट्टियों के दिनों ये भी अकाउंट होती है, जो टारगेट करते हैं ना इसमें भी ये डिलीवरी अकाउंट होती है। तो हमने का तो खैर नहीं काम करना, जो करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, तो बंदा रेस्ट भी ज़रूरी है, रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर थकावट जो है वो नहीं उतरेगी, क्योंकि रमज़ान में इतना काम किया ना पिछले रमज़ान की नस्बत इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम था, हालांकि आदमी भी ज़्यादा थे फिर भी काम भी ज़्यादा था। और कोशिश करें यार आप अगर कोई कंपनी सर्च करते हैं तो गूगल पे जाके सर्च किया करें, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनी है ना उनके वेयर हाउस सब हेड ऑफिस जो है उनकी लोकेशन गूगल पर होती है, उनकी ईमेल होती है, उनका मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है। तो वैसे सप्लाई कंपनी में कोशिश करें ना ही आए तो अच्छा है, आप डायरेक्ट किसी शिरके में काम का पता करें तो अच्छा है, क्योंकि सप्लाई कंपनी बहुत तंग करती है और इसमें बेनिफिट कोई नहीं होता इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा सीक्रेट बातें होती हैं जो मैं वीडियो पे नहीं बता सकता, बाकी आप हमेशा कोशिश करें सप्लाई कंपनी में नहीं डायरेक्ट शिरके में आए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, बहुत ज़्यादा उम्मीद रखिए, याद रखिएगा और इंजॉय करें आप ईद और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करें। मिलें अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।